लोडेड फ्राइज, ये लो शायन भाई। पिज्जा फ्राइज सेनब ने बनाई थी, बर्गर आरिफ ने बनाया था और मीठा शायन ने बनाया था। मैं आराम कर रही। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने देख तो लिया है इंट्रो से, आपको पता भी चल गया होगा। और बच्चों के जो है ना एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि प्री एग्ज़ाम्स थोड़ी सी पार्टी कर लेते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, टेंशन थोड़ा सा दूर होगा। तो मैं जो है 3 रेसिपीज़ बना रही हूँ, जो कि मेरे बच्चों ने ही रिकमेंड की थी, उनकी ही फरमाइश पर बना रही हूँ। एक तो हो गई जी दूध दुलारी, तो उसके लिए जो है मैं दूध उबाल लिया था। रेसिपी भी आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। और 2 टीस्पून मैंने जो है डाल दी हैं इसके अंदर रंगीन जो सेवइयाँ होती हैं मोटी वाली वो, और 3 ओंस मैंने डाल दी है शुगर। दूध था तकरीबन 3 पाव के करीब। एक तरफ जो है मैंने जेली बनाने के लिए रखी है ताकि ये अच्छी सी सेट हो जाए। और इसके साथ मैं बना रही हूँ आज जिंगर बर्गर्स, और साथ में बन रही है लोडेड फ्राइज। जेली 2 मिनट में ही बन जाती है, पानी उबल जाता है, जेली डाल देते हैं। मैंने रफान के इस्तेमाल किए, इसके अलावा और बहुत सारी जो हैं आते हैं प्रोडक्ट्स, तो ये जो है मैंने सेट करने के लिए रख दी है। और दूध देखें थोड़ी थोड़ी देर बाद जब इसकी मलाई ऊपर आ जाती है ना, तो मैं इसको मिक्स कर देती हूँ पकते हुए दूध में ही, तो इससे जो है एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे मैंने ले लिया था कॉर्नफ्लोर 2 टीस्पून के करीब, जितना मेरा दूध है उसके हिसाब से मैंने 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर को जो है 2 टीस्पून ही पानी में घोल लिया था। और हल्के हल्के से इसको मिक्स करती जाऊँगी, डालती जाऊँगी, तो ये अच्छा सा थोड़ा सा हल्का सा मुझे गाढ़ा चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसको, वरना ये वही कस्टर्ड बन जाएगा। मुझे कस्टर्ड नहीं चाहिए, मुझे दूध लारी का टेक्सचर चाहिए। और साथ में मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 कतरा एसेंस का, तो मेरे पास था, मेरे ख्याल में ये था पाइनएप्पल का एसेंस, तो आप जो भी आपके पास है इस्तेमाल कर सकते हैं, वनीला भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखें चिकन मैंने ले लिया था, ये डिफ्रोस्ट नहीं हुआ हुआ है, फ्रोज़न है, तो इसके है ना पीस अच्छे हो जाते हैं। डिफ्रोस्ट करके अगर हम पीस बनाते हैं ना, तो हमारी मर्ज़ी के पीस नहीं बनते हैं, वो इधर उधर होता रहता है चिकन। अब ये देखें ये जमा हुआ है ना, तो पीसेस जो हैं बिल्कुल स्क्वायर में और जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह से पीसेस निकल आते हैं। 2 मेरे पास थे ब्रेस्ट के पीसेस, तो उसमें से ही मैं बर्गर बनाऊँगी, और उसमें से जो थोड़ा बहुत बच जाएगा ना उसी के मैं लोडेड फ्राइज़ बना दूँगी। तो मैंने जो है तकरीबन 6 बर्गर बनाए थे ना, तो उसमें से 6 पीस निकालने के बाद मेरे पास जो चिकन बचा था उसका मैंने ही बना दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है ना फ्रूट्स शामिल कर दिए, मैं समझी कैमरा खुला हुआ है और कैमरा बंद था। तो फ्रूट्स आपके पास जो भी हैं आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास अनार था और 1 केला मैंने इसमें शामिल कर दिया था, और सेब का 1 पीस डाला है। बहुत ज़्यादा फ्रूट लोड नहीं किया है। किशमिश मेरे पास रखे हुए थे तो वो मैंने भिगो के रख दिए थे पानी में, ये शामिल कर दिए हैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। और ये जो है ड्राई फ्रूट्स जो मेरे पास घर में अवेलेबल थे, यानी बादाम और अखरोट था मेरे पास, तो वो मैंने जो है रोस्ट करने के लिए यहाँ पर कट करके रखे थे। तकरीबन 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। हल्का हल्का सा जब गर्म ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम मिक्स कर देंगे अपनी दूध दुलारी में, और फिर इसको हम अपनी सर्विंग जो भी हमारा बाउल होगा, सर्विंग बाउल, उसके अंदर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। जेली मेरी इतनी देर में सेट हो गई थी, तो जेली भी ऊपर से मैं रख कर और फिर इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। एक अच्छा सा डेज़र्ट मेरा तैयार हो गया है। बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब जो है मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया है, चिकन को जो है थोड़ा सा फैलाना है, स्प्रेड करना है, यानी थिन करना है। तो मेरे पास ये इमाम दस्ते का जो है ना क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता है, हम तो इमाम दस्ता ही बोलते हैं, तो ये दस्ता है मेरे ख्याल में शायद। तो इसको मैंने, इसकी मदद से सारा मैंने चिकन स्प्रेड कर दिया है, मतलब फैला दिया है, अच्छा सा थिन कर दिया है। अब एक पानी का बाउल लिया है, सादा जो प्लेन पानी होता है, उसमें मैंने सारा चिकन डालकर और तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब सिंथेटिक सिरका इस्तेमाल किया है, वो डाल के मैंने इसको रख दिया है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब जो मेरे पास जो चिकन बच गया था जिसकी मैंने बूटियाँ बनाई थी, उसके अंदर मैरिनेशन कर रही हूँ, जिसमें चिली सॉस, सोया सॉस दोनों 1-1 टेबल स्पून, टिक्का मसाला 1 टी स्पून, 1 टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर, हसबे जायका नमक जाएगा, और इसको मैं रख दूँगी मैरिनेट करके। तो ये थोड़ी देर में ही मैरिनेट हो जाएगा। इतनी देर में हम जो है लोडेड फ्राइज़ का जो है
टोमेटोज़ उबाल लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर टोमेटोज़ को 3 से 4 टोमेटोज़ दिए थे और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसको उबलने के लिए रख दिया है। 2 से 3 मिनट में ही उबल जाएगा। तब तक जो है मैं अपना चिकन जो है मैंने अभी सिरके में डाल के रखा था उसको रिमूव करते हैं सिरके से और प्लेन बाउल में डालते हैं इसको और फिर इसको भी मैरिनेट कर देते हैं। इसमें जाएगा 1 टीस्पून भरकर काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा चिली सॉस और सोया सॉस, 1 टीस्पून इसमें जाएगा लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा अदरक का पाउडर और हसबे जायका जाएगा नमक। और अगर चाहें तो चिकन पाउडर यूज़ करें। पेपरिका पाउडर जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। इसका कोई तीखा जायका नहीं होता है, इसका टेस्ट जो है इतना तीखा नहीं होता है, मतलब कलर ज़्यादा आता है इससे। इसको भी मैरिनेट करके रख दिया है। दोबारा से आ जाते हैं अपने लोडेड फ्राइज़ पे। तो अब जो है मैरिनेशन को पकाने का टाइम है। तो जो बर्गर का चिकन है उसको तो हमें फ्राई करना है, वो तो हम लास्ट मोमेंट पे फ्राई करेंगे। तो लोडेड फ्राइज़ का जो है मैंने जो है चिकन है वो रेडी करके रख दिया था, क्योंकि इनको ओवन में जाना है तो ये खुद ही गर्म हो जाएगा थोड़ी देर में ही, तो इसकी मुझे टेंशन नहीं लेनी, तो ये मैं बना के रख दूँगी। जो मैंने टमाटर उबाले थे उसका मैंने पेस्ट बना के और एक फ्राइंग पैन में मैंने लहसुन को थोड़ा सा गर्म करके ऑयल के साथ, और फिर मैंने अपना मैरिनेटेड चिकन और पेस्ट जो टमाटर का था वो शामिल कर दिया है और इसको अच्छा सा हम भून लेंगे। अच्छा सा एक जो है हमारा चिकन तैयार हो जाएगा। अब मेरे पास सारी चीज़ें रेडी हैं। मैंने फ्राइज़ भी तल ली थी, फ्राई कर ली थी जो हमारी पोटैटो फ्राइज़ होती हैं। अब थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं, जहाँ जहाँ हमने गंद फैलाया वो सब समेट लेते हैं ताकि जो है मैस ना फैले। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने यहाँ पर ले लिया था तकरीबन 2 कप के करीब मैदा। इसमें डाल दिया है पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें डाल दिया है नमक, और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर। बस ये 3 चीज़ें डालूंगी और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर भी शामिल किया था, शायद उसकी वीडियो मुझसे स्लिप हो गई है तो आप लिख लीजिएगा या याद रख लीजिएगा। अब जो मेरा मैरिनेटेड चिकन था बर्गर्स के लिए उसको मैं इस मैदे में कोट करूँगी, अच्छी तरह से पंच करूँगी। अगर हम पंच नहीं करेंगे तो सारी कोटिंग उतर जाएगी, तो अच्छी तरह से इसको एक बार जो है आपको पंच ज़रूर करना है, और फिर पंच करने के बाद जब दूसरी कोटिंग हम देंगे तो उससे पहले हमें इसको पानी में डिप करना है। पानी में डिप करने के बाद दोबारा से इसकी कोटिंग करेंगे और अच्छी तरह से इसको दोबारा पंच करेंगे। जब तक हम पंच नहीं करेंगे ये कोटिंग इसके ऊपर रहेगी नहीं, उतर जाएगी। तो अब ये सारी जो मेरी चिकन है ये बिल्कुल रेडी है। तो कुछ थोड़ा सा इस तरह से बच्चों की भी मान लेते हैं ना, तो आगे जो एग्ज़ाम्स में है ना बच्चे मेरी मानेंगे, तो फुल टाइम मेरी मनवाने के लिए जो है मुझे ये आज करना पड़ा। लेकिन ये कि ये थोड़ा थोड़ा जो है बच्चों को रिलीफ मिलना चाहिए। बस अब फ्राइज़ के ऊपर मैंने जो है चिकन मेरा तैयार किया हुआ था मसाले वाला वो मैंने इसके ऊपर रख दिया है। चीज़ मेरे पास रखा हुआ था श्रेड करके और फिर उसके ऊपर ये स्प्रेड कर दिया है। आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा डालना चाहें कम डालना चाहें। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल के इसको मैंने प्रीहीटेड ओवन में बेक करने के लिए रखा है सिर्फ 5 मिनट के लिए ग्रिल खोल कर। ये देखें इतना अच्छा सा चिकन फ्राई हो रहा है। और मेरे हस्बैंड को बर्गर्स जो है ना वो घर के पसंद आते हैं, बाहर के पसंद नहीं आते हैं। इसकी जो लाइंस क्रीज जो भी बोलते हैं इसका जो क्रस्ट है वो चेक कर लें, कितना ज़बरदस्त सा क्रस्ट आया है। जो इसके ऊपर झुरियाँ होती हैं वो कितनी अच्छी लग रही थी। तो अब जो है असेंबलिंग का टाइम। असेंबलिंग में मेरे बच्चे कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, ना सलाद पत्ता, ना टमाटर, ना खीरा, कुछ भी नहीं। तो मैं कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ मैंने मायो और चिली गार्लिक सॉस दोनों मिक्स करके और फिर उसका एक अच्छा सा सॉस बना लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। बर्गर रेडी हैं और मेरा जो लोडेड फ्राइज़ है वो भी रेडी है। आज हम ड्राइंग रूम में बैठकर खाना खाएंगे, क्योंकि अच्छा सा सेट हुआ है ना, तो अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही थी। तो फिर जो है आज खाना भी यहीं पर होगा और बहुत मज़े करेंगे। लोडेड फ्राइज में क्या क्या लोड हुआ है, चीज, चिकन और बहुत सारे मसाले और बहुत सारे मेहनत। वो तो सबसे ज्यादा होती है ना। ये तो यम्मी अच्छा बना हुआ है। बच्चे भी शौक से खा रहे हैं। इन तीनों ने बनाया है, बच्चों की फरमाइश पे तो बना। तीनों बच्चों की फरमाइश पे एक चीज बनी है। इन्होंने बनाया है, जेनन ने, मम्मा ने और आज ने। अच्छा बना। इसको जरा फोर्क मारना।
इस वाले को। डिश खाई जा रही है। आज हमारी पार्टी हो गई ना। आज तो हमारी पार्टी हो गई है। बच्चों के एग्जाम भी स्टार्ट हो रहे हैं ना। इसलिए तो खिला पिला के तैयार हैं। हाँ। बूटी गिर गई। एक दिन एंजॉय कर लो, फिर खूब मेहनत करके एग्जाम देंगे। मेरी पूरी तैयारी हो गई। ये लो शायन। मुझे तो तीनों ही बहुत पसंद है। नहीं, नहीं, एक, एक, एक। डिप्लोमेसी बहुत मुश्किल है। भाई पिज्जा फ्राइज सेनब ने बनाई थी, बर्गर हारिस ने बनाया था, और मीठा शायान ने बनाया था। मैं आराम कर रही थी। बस खाना निपटाने के बाद सारी लेडीज़ का ये सेम काम होता है जो कि हर घर में ही हो रहा होता है। बस उठाना है यहाँ से, और जो हमने मैस फैलाया है उसको क्लीन करना है। तो ये सब उठाऊंगी, सारी चीज़ें जो हैं समेट कर वापस किचन में पहुंचाऊंगी, और फिर इसके बाद जो है मुझे करनी है ख़ास तैयारी, क्योंकि सुबह जो है बच्चों का पहला पेपर है, और उसके लिए जो है मुझे रात को ये तैयारी करके रख देती हूँ। बच्चों के यूनिफॉर्म्स जो हैं वो प्रेस कर दिए हैं, और अब इनको यहाँ पर जो है सेट करके रख दूँगी, ताकि सुबह में जो है थोड़ी देर ये रिवीजन करेंगे, और फिर इसके बाद अपने अपने यूनिफॉर्म्स चेंज करेंगे और स्कूल चले जाएँगे। तो उम्मीद है व्यूवर्स आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।